हिस्ट्री चैप्टर वन सेकेंड पार्ट. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी सेकेंड पार्ट, पेंटिंग. पेंटिंग क्या होता है? यस, पेंटिंग इसमें आपको भी ये समझ में आता है कि समथिंग वी हैव टू पेंट फ्रॉम द कलर इज नोन एज द पेंटिंग. सो द आर्ट ऑफ पेंटिंग वॉज द वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. जो मेडिवल पीरियड था, जो बीच का हमारा जो समय था एंशिएंट और मॉडर्न का, तो जो मेडिवल पीरियड था उसमें जो है पेंटिंग बहुत ही मतलब क्या थे, पॉपुलर थे, लोकप्रिय थे. द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स ऑफ विजयनगर किंगडम फाउंड ए हैम्पी इंडिकेट्स वर्कमैनशिप ऑफ द पेंटर्स एंड द स्कल्पचर. द मुगल रूलर सच द अकबर एंड जहांगीर वर ए ग्रेट लवर्स ऑफ पेंटिंग. ये जो मुगल रूलर थे, मुगल जो शासक थे उस टाइम के, मेडिवल पीरियड्स के, उस टाइम पे अकबर और जहांगीर जो थे एक बहुत ही ग्रेट लवर पेंटिंग थे. मीन्स दे वर लाइक वेरी मच पेंटिंग, उनको जो पेंटिंग बहुत अच्छी लगती थी. दे फाउंड द मुगल्स स्कूल ऑफ पेंटिंग्स एंड इनकरेज पर्शियन एंड इंडियन आर्ट ट्रेडिशन. इस तरह से उन्होंने एक स्कूल की स्थापना किया जहाँ पे मुगल जो क्या करते थे, इनकरेज करते थे पर्शियन और इंडियन आर्टिशियंस को, ट्रेडिशंस को, आर्ट को, वी कैन से. नाउ सी नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज लिटरेरी सोर्सेस. व्हाट इज मीन बाय लिटरेरी सोर्सेस? द मेडिवल एज इन इंडिया हिस्ट्री फॉर्म अ विटल फाउंटेन हेड ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज. जो हमारा मेडिवल एज होता है इंडियन हिस्ट्री में, वो एक विटल फाउंटेन, एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है इंडियन कल्चर हेरिटेज में. इट विटनेस न्यूमरस इन्वेशंस बाय मुस्लिम रूलर्स हु स्पोक पर्शियन. और ये जो होते हैं एक विटनेस होते हैं, गवाह होते हैं, जिसमें इन्वेजन मुस्लिम्स रूलर्स जो बोलते हैं पर्शियंस, अरेबिक एंड तुर्किस. दस इस प्रकार मेडिवल लिटरेरी टेक्स्ट आर फाउंड रिटेन इन दिस लैंग्वेज अलॉन्ग विद द संस्कृत. इसलिए इस मेडिवल लिटरेरी जो टेक्स्ट था उसको जो है मतलब जो है संस्कृत में लिखा गया. लिटरेरी सोर्सेज जो थे इंक्लूड करते थे रॉयल ऑटोबायोग्राफीज. ऑटोबायोग्राफी हमने पढ़ा था कि मीन्स खुद के बारे में लिखना. इट मीन्स दैट आई एम राइटिंग अ स्टोरी अबाउट माई सेल्फ, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफीज. ओके, सो ऑटोबायोग्राफीज होते थे, क्रॉनिकल्स होते थे, रिलीजियस टेक्स्ट होते थे, वर्क ऑफ हिस्ट्रियंस होते थे, एंड अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स होते थे. द ब्राह्मिन्स एंड अदर कंटिन्यू टू स्टडी द सेक्रेट बुक्स एंड संस्कृत, बट अरेबिक एंड पर्शियन रिमेन द कोर्स लैंग्वेज. इस तरह से ब्राह्मिन जो और जो अदर जो कंटिन्यू जो स्टडी थे सीक्रेट जो है बुक्स इन द संस्कृत, उनकी ये पवित्र क्या थी, संस्कृत की बुक पवित्र होती थी, बट अरेबिक एंड पर्शियन रिमेन कोर्ट लैंग्वेज. लेकिन ये जो अरेबिक और जो पर्शियन थे वो कोर्ट लैंग्वेज यूज करते थे. नाउ सी आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रॉयल ऑटोबायोग्राफीज. ये सी रॉयल ऑटोबायोग्राफीज. फिरोज शाह तुगलक रोट हिज ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड फुतुहत. यस, फिरोज खान जो थे, फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसको हम फुतुहत कहते हैं, फुतुहत. फिरोज शाही बाबर रोट हिज मेमोरीज कॉल्ड तुजाग ई बाबरी. इन तुर्किस इट इज द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. इस तरह से जो ये क्या था, ऑथेंटिक सोर्स था इन्फॉर्मेशन का फॉर इच पीरियड, उस पीरियड का. अभी जो सेकेंड पॉइंट है वो है बी क्रॉनिकल्स. ओके, जियाउद्दीन जो ब्राउनी था वो आज 14th सेंचुरी क्रॉनिकल्स. इस तरह से जियाउद्दीन जो बाबरीनी था वो एक 14th सेंचुरी का क्रॉनिकल्स था. ही रोड क्रॉनिकल्स विच बिगिन विद द एसेशन ऑफ बालवन. जो बालवन के जो है मतलब हीरोड क्रॉनिकल्स बिगिन विद द एक्सेशन. जो एक्सेशन था बालवन का कम्स एंड डाउन द अर्ली ईयर्स ऑफ द फिरोज तुगलक अब्दुल फजल रोट एन ई अकबर. ए अकबर ही इन्होंने लिखा. विच गिव्स अ डिटेल अकाउंट, जो एक डिटेल अकाउंट्स बताते एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे चल रहा था उस समय, ठीक है, पॉलिटिकल जो सिस्टम था. ग्रेट मुगल्स एम्परर जो थे अकबर, ठीक है, उस टाइम के जो ग्रेट एक मुगल एम्परर थे उनका नाम था अकबर. लिटरेरी वर्क लाइक राजा तारांगिनी बाय द काला खाना
कल्हाना एंड द इपिक जो पृथ्वीराज रासो थे बाय चंद्रवरदाय आर वर्क ऑफ द ग्रेट हिस्टोरियन इम्पोर्टेंस। ये सारे जो वर्क थे मेडिवल पीरियड में बहुत ही फेमस रहे, जो पृथ्वीराज रासो थे और जो है चंद्रवरदाय, ये वर्क जो है बहुत ही ग्रेट हिस्टोरियंस इम्पोर्टेंस रखते हैं। दिज वर्क्स थ्रो लाइट ऑन द अर्ली मेडिवल इंडिया। ये जो वर्क है वो क्या करते हैं, लाइट मतलब लाइट बिखोर देते, प्रकाशित करते हैं मेडिवल पीरियड को। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट इज आवर अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। अभी जो फॉरेन जो ट्रेवलर्स थे उनकी अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ मेनी फॉरेनर्स ट्रेवलर। यस, इंडिया जो मतलब अटेंड करते थे उनका जो अट्रैक्ट क्यों हुए, क्योंकि जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे उन पर बहुत सारे अटेंशन दे रहे थे। जैसे मार्को पोलो ऑफ वेनिस, जो मार्को पोलो था वो वेनिस से आया था विजिटेड इंडिया में विजिट करने के लिए इन द 13th century। ही लेफ्ट एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ साउथ पांडे किंगडम। इस तरह से वो जो एक इंटरेस्टिंग अकाउंट जो है साउथ पांडे किंगडम में छोड़ गया। एंड ही ऑल्सो विजिटेड वारंगल में भी उसने क्या किया, विजिट किया। उसके बाद से ही स्पोक हाईली ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ द गुजरात। फिर उसने जो है गुजरात में मर्चेंट्स के बारे में ये बातें किया। इवन जो था बटूटा जो था वो एज ए नेटिव ऑफ मार्को एंड विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक रीजन। और ये जो था अभी जो है बाटूटा वो मार्को पोलो का एक नेटिव था जो करीबी था उसके, जो इंडिया में कब आया था घूमने के लिए, तो वो विजिट करने के लिए जब मोहम्मद तुगलक जो क्या थे शासन में थे। इस तरह से निकोलो कॉन्टी जो था इन इटालियन ट्रेवलर था, वो विजिटेड इंडिया इन 1420 और ये 1420 में इंडिया में विजिट करके आया। स्पीक्स हाईली ऑफ द हिंदूज किंगडम ऑफ विजयनगर, और ये जो है बोलता था किसके बारे में, विजयनगर किंगडम के बारे में। अचीवर्स आर प्लेस वेयर ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड। और ये जो अचीवर्स थे आर प्लेस वो प्लेस था जहाँ पे जो है ओल्ड जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे डॉक्यूमेंट्स थे एंड जो रिकॉर्ड्स थे आर वो स्टोर किए गए। उसके बाद से म्यूजिक क्या होता है, द लेडी ऑफ म्यूजिक प्रोवाइड्स एम्पल स्कोप ऑफ डिटरमाइनिंग द लाइफ एंड द कल्चर ऑफ पर्टिकुलर एज। इस तरह से जो ये एक ऐसी स्टडी, म्यूजिक एक ऐसी स्टडी है जो प्रोवाइड करती है एम्पल स्कोप। एम्पल मीन्स बहुत ट्रेमेंडस, देर आर सो मेनी स्कोप ऑफ डिटरमाइनिंग दिस इन द लाइफ कल्चर ऑफ पर्टिकुलर एज। इंडियन म्यूजिक हैड द रिच इट द जेनिथ बाय द टाइम ऑफ द मुस्लिम रूलर्स। इस तरह से जो इंडियन जो म्यूजिक थे हैड उन्होंने एक बिग पिक पॉइंट पे पहुंच गए एंड जेनिथ बाय द टाइम ऑफ मुस्लिम रूलर के टाइम पे। इस्टेब्लिश देयर किंगडम इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम्स। उसके बाद से जो है इन्होंने क्या किया, यस मुस्लिम जो रूलर्स थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया किंगडम, वो भी कहाँ पे, तो नॉर्थ इंडिया में उत्तरी भारत में ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम्स, वो भी मेडिवल टाइम्स में, क्योंकि हम मेडिवल टाइम पढ़ रहे हैं, मेडिवल पीरियड पढ़ रहे हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ म्यूजिकल ग्रामर वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टेंस। यस, इस पीरियड में म्यूजिकल जो ग्रामर था वो ऑलरेडी एग्जिस्ट हुआ। एंड एट द रॉथवर एनवॉल्व स्टेजेज द मेडिवल पीरियड सा द डेवलपमेंट ऑफ टू स्कूल ऑफ म्यूजिक। इस तरह से जो ये मेडिवल पीरियड था उसमें देखा गया दो स्कूल्स ऑफ म्यूजिक के थे, हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक। ये जो दो स्कूल्स थे इस तरह से हिंदुस्तानी कार्निक दो स्कूल थे। फेमस इंडियन म्यूजिशियन सर से स्वामी हरिदास, और जो इंडिया के जो फेमस जो म्यूजिशियंस थे संगीतकार थे वो थे एक जो तानसेन जो अकबर के दरबार में रहते थे, बाजू बारवारा जो थे बावरा, वो हैव लेफ्ट देयर इम्प्रिंट ऑन द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडियन म्यूजिक। साउथ जो इंडियन म्यूजिक था आर कार्नेटिक म्यूजिक वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द संस्कृत म्यूजिकल थियरीज। इस तरह से ये सारे जो साउथ म्यूजिक थे वो जो इन्फ्लुएंस किए गए संस्कृत म्यूजिकल स्टोरी थियरी के अनुसार। इस तरह से आप ये देखेंगे अभी हाईलाइट फॉर द मेडिवल पीरियड इन इंडिया। लेट अस नाउ अभी देखते हैं कि कैसी जो ये हिस्टोरिकल जो ट्रेंड्स थे मेडिकल पीरियड्स के, मेडिवल पीरियड के, वी शैल स्टडी, हम स्टडी करेंगे
द डिटेल एंड स्पेसिफाई एस्पेक्ट ऑफ द अर्ली एंड द लेटर मेडिवल पीरियड एंड सब कॉन्टिन सब्सिक्वेंट ऑफ द चैप्टर। अभी ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट, कैसे जो एक ग्रोथ हुआ, कैसे सेटलमेंट हुई। द सेटलमेंट ग्रू इन अ साइज, ये जो पॉपुलर ग्रू इन नंबर्स, मीन जो सेटलमेंट थे, सेटलमेंट जो का एक साइज था पॉपुलेशन का, वो थोड़ा नंबर्स क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे। ट्रेंड्स जो है चेंज हो रहे थे, टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो रही थी ग्रोइंग एंड पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग, और पीपल जो है स्टार्ट कर रहे थे ट्रैवलिंग करना। इन सर्च ऑफ फूड शेल्टर, मीन्स दिन भर घूमते थे, सब्जी मिला कहीं कुछ मिला तो फिर लाते थे, फिर बनाते थे। इससे से ग्रोथ है जो सेटलमेंट था, द सेटलमेंट ग्रीव इन अ साइज एंड पॉपुलेशन ग्रीव इन नंबर्स। जो सेटलमेंट थे वो बहुत ही बढ़ते जा रहे थे, ट्रेंड्स चेंज हो रहे थे, टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो रही थी, पीपल स्टार्टेड ट्रेवलिंग राउंड सर्च ऑफ फूड, लोग जो भोजन की तलाश में जो है घूम रहे थे। द कॉस्ट कटिंग डाउन ऑफ द जंगल, जिसकी वजह से जो जंगल्स कट रहे थे, लोगों की आवश्यकताएँ बढ़ रही थी, नीड्स बढ़ रहे थे, इसलिए लोगों के डिमांड्स पूरे करने के लिए वो जंगलों को जो है काट रहे थे। एंड मोर एग्रीकल्चर ग्रोथ, और भी ज़्यादा जो एग्रीकल्चर ग्रोथ हो रहा था। मेनी जो ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी, हैड स्टार्टेड मिक्सिंग विद द सेटलमेंट, द मिक्स ऑफ ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स कॉमेंस्ड पीपल फ्रॉम अ डिफरेंट सेटलमेंट इन अ डिफरेंट रीजन ट्रेवलर्स टू द अदर रीजन्स सम द डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट क्रॉप्स एंड लर्न न्यू थिंग्स। न्यू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कॉमेंस्ड एंड ट्रेड बिटवीन द सेटलमेंट्स कॉमेंस्ड। अभी हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड। जो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड था वो क्या था, ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे पीपल स्टार्टेड ट्रेवलिंग टू मोर डिस्टेंस प्लेस। इस तरह से लोग धीरे धीरे जो है डिस्टेंस प्लेस पे जाना शुरू कर दिए। एंड ट्रेवलर्स फ्रॉम पर्सिया, और वो लोग क्या करते थे, पर्सिया तक जाते थे, अरब जाते थे, चाइना जाते थे एंड अदर डिस्टेंस जो दूर दूर के प्लेसेस पे फॉरेन लैंड्स पे स्टार्टेड विजिटिंग शुरू कर दिया, विजिट करना, रीजन एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द पीपल्स, क्योंकि वो वहाँ पे जाते थे फिर लोगों को समझते थे, वहाँ के रीजन वहाँ के प्लेस के बारे में समझते। दिस वॉयज एंड ट्रेवल्स ऑफ द डेवलप ट्रेड एंड एक्सचेंज द आइटम्स ऑफ डिफरेंट रीजन। इस तरह से आने जाने से उनका ये हुआ कि फिर वो लोग वस्तुओं का एक्सचेंज करने लगे, मीन्स जो कंट्री में जो चीज़ें मिलती थी वहाँ पे ज़्यादा और यहाँ पे नहीं मिलती, फिर उसको लेके आते थे, फिर अपने इंडिया में जो चीज़ें मिलती थी वो अदर फॉरेन कंट्री में नहीं मिलती तो वो वहाँ पे भेजते थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने लगे, वी कैन से दैट। एंड वो आदमी किससे जाते थे, वो ये सीप से, मतलब वो पानी वाली जो जहाज़ होती है उससे वो जाते थे, ट्रेवल करते थे। द मैसेज ऑफ द लेवल्स ऑफ द प्रॉस्पेरिटी इन दिस रीजन ट्रेवल वाइड एंड द ट्रेड इंक्रीज। इस तरह से उनके ट्रेवलिंग से जो है मतलब व्यापार जो है ट्रेड जो है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। सोशल चेंजेस क्या हुए, इन द सोसाइटी द डिविजन्स वर इंक्रीजिंग। इस तरह से जो सोसाइटी में बहुत सारे डिविजन्स जो है इंक्रीज होने लगे, जैसे जब जाति प्रथा, क्लास डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स लोग छोटे बड़े का भेद करने लगे। द कम्प्लेक्स रिचुअल्स ऑफ द ब्रीव एंड जो है फैद सुपरस्टिजन ग्रीव होने लगा, अंधविश्वास बढ़ने लगा। सोसाइटी स्टार्टेड एडिंग सब कास्ट टू द ऑलरेडी डिवाइडेड कास्टेड्स। द सब क्लासेस आर जातीज वेरीड इन अ पोजिशन इन द पावर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ईच वन हैड इट्स ओन रूल, सब कोई अपने रूल्स बना रहा था, रेगुलेशन बना रहा था, नो वन इज फॉलो फॉर अदर्स एंड ग्रेजुअली द ह्यूमन रेस गॉट डिवाइडेड। इस तरह से ह्यूमन रेस बहुत ही जल्दी क्या हुआ, डिवाइड हो गया इन टू द सेक्शन, यस ईच सेक्शन में लोअर सेक्शन अपर सेक्शन लाइक दैट। एंड ईच जाति हैड द हेड ऑफ पंचायत हेड्स, और सबके अपने अपने क्या हो गए, पंचायत हेड्स बन गए। नाउ सी रिलीजियस चेंजेस, व्हाट इज द रिलीजियस चेंजेस, वी कैन सी हियर रिलीजियस जो है रिलीजन स्टार्टेड गेनिंग इम्पोर्टेंस एंड हिज दिस लीड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेनी टेम्पल्स। अभी रिलीजन की बात आई तो लोगों ने अपने अपने क्या किया, जो है टेम्पल कंस्ट्रक्ट करने लगा, कोई जो है मुस्लिम होंगे वो जो है ये सारी चीज़ें जो है होने लगी। ब्राह्मिन्स स्टार्टेड जो है गेनिंग इम्पोर्टेंस कंसिडर्ड
इंटरमीडिएट बिटवीन द गोवा एंड मैन गॉड एंड मैन सॉरी गॉड एंड मैन। इस तरह से जो ब्राह्मण्स थे उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि इम्पोर्टेंस दे कंसिडर्ड वो जो है गॉड और मैन के बीच में जो है एक इंटरमीडिएट्स बन गए। मीन्स वो सोचते थे कि ब्राह्मण अगर जो है पूजा कराएंगे तो मीन्स भगवान तक वो पहुंचने का माध्यम है, ऐसा कि उनके थ्रू वो लोग जो आदमी है जो इंसान है वो भगवान के तरह जो पास पहुंचेगा, ऐसा उन लोग एक इंटरमीडिएट बन गए। दे स्टार्ट मीन्स वो पूजा पाठ कराने लगे, वी कैन से दैट दे स्टार्टेड गेनिंग कंट्रोल ओवर सोसाइटी, वो पूरे सोसाइटी को मतलब कंट्रोल करने लगे। इज दे वर द वंस हु हैड नॉलेज एंड द विजडम एंड द वर इन अ ग्रेट डिमांड, और इस तरह से उनके नॉलेज जो है बढ़ाते थे, उनके पास दिमाग होते थे बुद्धि होते थे क्योंकि वो ब्राह्मण थे, इसलिए वो क्या करते थे बहुत डिमांड करते थे। न्यू डिसाइटेड एंड कम टू द वर्शिप, और उनका ये मतलब पूजा पाठ कराना उनका ड्यूटी बन गया था। ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ, द ट्रेड एंड अदर्स टू ट्रेवलर्स थे फ्रॉम द अरब वर्ल्ड ब्रॉड कल्चर चेंजेज, इससे धीरे धीरे ये सारे चेंजेज आए ट्रेड में और ट्रेवलरिंग में। अरब वर्ल्ड जो अरब सागर के देश थे कल्चर चेंजेज आए वहाँ पे। इस्लाम फाउंड अ फुट होल्ड एंड बिलीव ऑफ इस्लाम इन सेटल्ड इन इंडियन रीजन्स, इस तरह से इस्लाम भी जो है इधर इंडिया में रीजन में रहने लगे एंड वो बिलीव करते थे इस्लाम से। एंड लेटर द मुगल्स, उसके बाद से बाद में जो है मुगल आए इंडिया इन दिस पीरियड उसी पीरियड में एंड दे स्टार्टेड रूलिंग, वो अपना मतलब राजा बन गए शासन करने लगे यहाँ पे इंडियंस को रूल करने लगे। विच ब्रॉट इन अ मोर कल्चरल चेंजेस, जिसके वजह से उन लोगों ने बहुत सारे कल्चरल चेंजेस किया। द मिक्स ऑफ रीजन्स हैज बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इस तरह इनके बहुत सारे एडवांटेज भी हुए डिसएडवांटेज भी हुए। वाइल पीपल कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, और जबकि एक दूसरे से सीखते थे दे ऑल्सो कैन गेट डिवाइडेड रिलीजन लर्निंग, इस तरह से वो रिलीजन को जो है डिवाइड करते थे। दिस इज वॉट हैपन इन द सोसाइटी एंड द सोसाइटी स्टार्टेड गेटिंग डिवाइडेड ऑन रिलीजन्स लाइन। इट वॉज ड्यू टू दिस रिलीजन्स कॉन्फ्लिक्ट दैट सेंट टू द सोफी कम इन टू द पर्स हार्मनी बाय द इस तरह से सारी चीज़ें हुई। इट वॉज ड्यू टू दिस रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट दैट द सेंट एंड सूफी जो है कम इनटू द बीइंग पीच हारमोनी, इसके बीच साधु संत भी आए वो अप्रीच करते थे टीच करते थे हारमोनी मीन्स अच्छे से रहना एंड टॉलरेट अबाउट विच यू सेल टू स्टडी लेटर इन द बुक्स। नाउ सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या था, पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपको पॉलिटिकल के नाम से क्या पता चलता है, रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, रिलेटेड टू कैबिनेट एंड ऑल थिंग्स प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दिज ऑल कम्स इन अ पर्टिकुलर थिंग्स इन पॉलिटिकल पार्टीज। द पीरियड वी स्टडिंग एक्सटेंडेड ओवर नियरली 1000 ईयर, यस हमने जो वर्षों पहले जो पढ़ा था स्टडी किया था द चेंजेज इन सोसाइटी वर ग्रेजुअल, अभी वो सोसाइटी में धीरे धीरे चेंजेज हो रहे थे एंड डेफिनेट अ ग्रुप ऑफ पीपल्स हु इमर्ज इन अ लीडर्स, और जो पीपल जो थे वो क्या कर रहे थे एक लीडर के रूप में उभर रहे थे। अ ग्रुप ऑफ पीपल्स उसके बाद राजपूत्स द नेम ऑफ बेसिकली हु डिराइव फ्रॉम द वर्ड राजपूत्रा, जो राजपूत्र थे वो एक पर्टिकुलर मीनिंग से जो है वर्ड से डिराइव हुए थे वो वर्ड था राजपूत्रा। मीनिंग ऑफ सन ऑफ रूलर एज दे वर कंसिडर टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी, और ऐसे समझते थे कि वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं उनके मन में ऐसे ख्याल आते थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू हैव अ हेरिडेटरी ट्रेड्स ऑफ द ब्रेवरी, वो सोचते थे कि उनके मतलब जो हेरिडेटरी मिस होता है पूर्वजों से और जो है मतलब उनको क्या मिला है ऐसे मिला है कि वो जो पूर्वजों से एक हेरिडेटरी चलता आ रहा है कि अगर वो उनके पिता ऐसे थे तो वो भी ऐसे ही होंगे और इनके अंदर भी वैसी ही क्षमता होगी प्रोटेक्ट करेंगे सोसाइटी को, ऐसा वो समझते थे बहादुर समझते थे एंड सेंस ऑफ लॉयल्टी उनके पास है ऐसा वो समझते थे। दे डेवलप्ड रिपुटेशन ऑफ द वैलर एंड द वरीज वैरियर्स योद्धा के बीच। द सेक्शन ऑफ सोसाइटी वॉज प्रीडोमिनेंटली इन द नॉर्थन रीजन्स ऑफ द कंट्री ऑफ द कंसिडर्ड ए द यस ऑफ द कंट्री इन द अदर पार्ट्स ऑफ किंगडम जैसे सिख एंड जो जाट होते थे ऑल्सो बिकम पॉलिटिकल इम्पॉर्टेंट, जो वो भी पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट बन गए। दे वर कंसिडर वो सोचते थे कि जो मार्टियल जो है मार्टियल्स रेसेस होती हैं
हु आर ब्रेव वॉरियर्स, वो क्या होते, ब्रेव वॉरियर्स होते, योद्धा होते. सोसाइटी स्टार्टेड एडिंग सब कास्ट टू द ऑलरेडी डिवाइडेड इन कास्टेड्स. इससे सोसाइटी जो स्टार्ट कर दी एड करना सब कास्ट टू द यस ईच वन हैड इट्स ओन रूल्स रेगुलेशन, जिसके खुद के जो रूल्स और रेगुलेशन होते थे. एंड इट्स मेम्बर एंड ग्रेजुअली द ह्यूमर इज गॉट डिवाइडेड इंटू सेक्शन और वॉल द जल्द जो सेक्शन भी चेंज हो जाएंगे. यस ईच जातु हैड देयर हेड्स ऑफ द पंचायत हेड्स. अभी है रिलीजियस चेंजेज. द लॉयल द रॉयल क्लास वॉज फेमस फॉर देयर इंटरेस्ट. रॉयल मिस होता है जो बहुत ही रिच होते हैं, अमीर होते हैं, ठीक है, हाई सोसाइटी को फॉलो करते हैं. तो इससे जो रॉयल क्लासेस थी वो फेमस थी फॉर देयर इंटरेस्ट गार्डनर्स वेरियस फ्रॉम द इंटरटेनमेंट. उनके इंटरटेनमेंट के बहुत सारे रास्ते थे. एंड दस इस प्रकार कल्चरल वे मेनी चेंजेज. इस तरह से उनके कल्चर में बहुत सारे चेंजेज हुए. द वेरियस फॉर्म ऑफ चांस इन म्यूजिक चांस उनको ये सारे चांस मिलते थे. एंड ग्रू न्यूअर फॉर लाइक अ कथक क्वालेज क्वाट इंट्रोड्यूसेस द अचीवमेंट. तो आर्किटेक्टर जो होते थे आप द बिल्डिंग जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते थे ऑल्सो सा चेंजेज. उन लोगों ने भी चेंजेज देखा. कलर यूज ऑफ स्टोन्स डिजाइंस एंड मटेरियल्स ऑफ दिज ऑल थिंग्स कंस्ट्रक्टेड लो. इस तरह से सारे चेंजेज हुए. लाइक लैंग्वेज लाइक उर्दू एंड पर्शियन ग्रू इन ए पॉपुलर. ओके स्टूडेंट्स थैंक यू. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. बाय बाय स्टूडेंट्स. थैंक यू.